आज से नहीं है, तकरीबन 12 साल हो गए हमें और यहाँ पे आज कहीं पनीर टिक्का फेमस नहीं है। बहुत काफी एकदम नेचुरल फ्लेवर है, कहीं नहीं मिलेगा, बहुत इफेक्टिव। तो मतलब आप बाकी लोगों को सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की शाम हम जा रहे हैं नागपुर के बेस्ट लोकेशन पे, वो है सदर। और आप जब जैसे कि आप सभी को पता होंगे कि वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड मिलते हैं, तो एक नया वहाँ पे रेस्टोरेंट आ चुका है जो आप लोगों में से बहुत जन वहाँ पे विजिट किए होंगे, आई होप कि आप लोग को पता भी होगा, बट उसका थोड़ा नाम चेंज हुआ है। बट वहाँ की टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है और वहाँ पे कुछ नए फ्लेवर्स भी ऐड हुए हैं। तो आज हम वहाँ पे जा रहे थे और आज की शाम हम वहाँ पे टेस्ट करेंगे कि चीज़ें कैसी है, और शायद आप लोग को वो पता नहीं होगा तो आज ब्लॉग के थ्रू आपको देखने मिलेगा। सो बेस्ट जगह है वो, क्योंकि मैंने जितने भी वहाँ के फीडबैक्स देखे बहुत अच्छे हैं, तो मैं सोचा कि मैं भी वहाँ पे जाता हूँ और आप लोग को भी चीज़ दिखाता हूँ। तो गाइस हम आज यहाँ पे आए हुए थे पंडित जी प्योर वेज पे, जो कि यहाँ का सदर का बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे मिलता है बहुत ही अमेजिंग चीज़। क्योंकि यहाँ की जो टेस्ट है, मैं पिछली बार भी टेस्ट किया था, बहुत ही अच्छी थी, और इस बार हम आए यहाँ पे नई चीज़ टेस्ट करने। इनका स्पेशल सैंडविच है और सबसे फेमस यहाँ पे है इनका काठी रोल, तो वो आज हम देखेंगे कि बनता कैसा है और वहाँ का टेस्ट भी देखेंगे कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो जब भी आप यहाँ पे आते हो तो मेरा बैकग्राउंड आप लोकेशन देख सकते हो कि यहाँ पे ये पनीनो है, पनीनो के जस्ट नीचे में है ये पंडित जी प्योर वेज। तो यहाँ पे आप अगर आते हो तो यहाँ का टेस्ट लेके ज़रूर देखना, और आगे आप देख सकते हो अभी कि किस तरीके से यहाँ पर मेकिंग होती है और यहाँ का जो टेस्ट है वो मैं हो सके तो खुद का सेल्फ फीडबैक भी बताऊँगा। अगर यहाँ पर जैसे बहुत लोग बैठे अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो उनका भी मैं आपको फीडबैक बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे भैया को ये पूछ रहा था कि पनीर टिक्का किस तरीके से यहाँ पे बनता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये बहुत फेमस है और यहाँ पे लोगों के फीडबैक जो जाते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। सो मैं भैया को भी ये पूछ रहा था कि भैया यहाँ का पनीर टिक्का में इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ करते हैं। इंग्रेडिएंट्स कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, उसमें एक मसाला होता है पनीर टिक्के का, ओके, जो हम लोग खुद बनाते हैं। मार्केट में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक फ्रोजन चीज़ में आ रहा है, पैक सील पैक में आता है, उसको लगा के देते हैं, लेकिन हम लोग इसका जो मसाला रहता है वो हम लोग खुद मेक करते हैं। जो एक चक्का दही रहता है उसमें और भी कुछ मसाले जाके और एक बनाते हैं, और दूसरी चीज़ हम लोग मार्केट का कोई भी चीज़ ऐसा यूज़ उसमें नहीं करते, कोई फ्रोजन चीज़ उसमें यूज़ नहीं। मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जितने फ्लेवर्स यूज़ होते हैं वो बहुत हाइजीन है। हाँ, हाइजीन तो है, क्योंकि हम लोग खुद उसको अभी तो ड्यू टू कोविड के चक्कर में भी हम लोग और ज़्यादा हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, ओके, और यहाँ पे हम लोग आज से नहीं है, तकरीबन 12 साल हो गए हमें, ओके, और यहाँ पे आज कहीं पनीर टिक्का फेमस नहीं है, और काफ़ी समय से यहाँ पे हमारे रोल्स पनीर काटी, रोल्स और पनीर टिक्का हमारा फेमस है। और यहाँ पे जो स्पेशली मेरे को यहाँ पे जो दिखा है कि बारबेक्यू पनीर टिक्का रोल, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि बारबेक्यू पनीर टिक्का रोल किस तरीके से बनता है, क्योंकि इसके पहले हमने कभी नहीं देखा था कि इतना लाइव कोई ऐसा बना के देते हैं, क्योंकि लोग बहुत अलग तरह तरह के यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे जो भी चीज़ें बनाते हैं तो कस्टमर्स आपको जैसा आपके फीडबैक देते होंगे, तो उसके हिसाब से मेरे को एक चीज़ ये बताइए कि आपके जो फ्लेवर है उसमें आप लोगों को चेंज किया कि वही सेम फ्लेवर आपने रखा है। नहीं, फ्लेवर तो हमारा सालों से वही चलता आ रहा है, इसलिए हमारे जो कस्टमर हैं वो रिपीट आते हैं यहाँ पे, और काफ़ी कस्टमर्स हैं जो बीच में कोविड से बंद थे तो कॉल्स भी आते थे बंद है जो भी कुछ है, लेकिन कस्टमर जो है हमारे वो पुराने टेस्ट की वजह से ही क्या। He's where I choose you.
तो अभी मैं यहाँ पे आए हुए थे और भैया ने जस्ट अभी यहाँ पे पनीर टिक्का टेस्ट किया था, तो भैया आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा? इट वाज अमेजिंग। मतलब ऐसा टेस्ट आपने बाहर कहीं और? नागपुर में कहीं भी नहीं मिलेगा, बस यहाँ मिलेगा। तो आप यहाँ पे रेगुलर आते हो या फर्स्ट टाइम आपने टेस्ट? फर्स्ट टाइम आया। बहुत एकदम नेचुरल फ्लेवर है, कहीं नहीं मिलेगा, बहुत इफेक्ट का। तो मतलब आप बाकी लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे? ऑब्वियसली। तो जैसे भैया को यहाँ का टेस्ट बहुत ही पसंद आया, तो आप लोग भी यहाँ पे जब भी आते हो तो यहाँ का टेस्ट कर सकते हो भैया? माय नेम इज ऋषभ। तो भैया ने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया। मैम यहाँ पे आई हुई थी और आपने यहाँ का टेस्ट किया है पनीर टिक्का रोल, मैम ने यहाँ का टेस्ट किया है, तो अभी हम भी वही कर रहे थे। तो मैं मैम से पूछ रहा था कि आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा? यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और मैं पापा के साथ हमेशा आती रहती हूँ यहाँ पे खाने के लिए। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली यहाँ का टेस्ट। तो इसके अलावा आपने और कहीं खाया होगा? और कहीं खाया है बट यहाँ का टेस्ट यहाँ का बहुत अलग है और सिर्फ घर जैसा होता है यहाँ का टेस्ट। तो मतलब यहाँ पे जैसे भी आप आओगे तो यहाँ पे आपको नेचुरल फ्लेवर्स मिलते हैं, क्योंकि इनके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनके खुद के यूज़ किए हुए। तो मैम आपका नाम? आद्या। आद्या मैम का नाम है। मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। सो गाइस, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया होगा तो वीडियो लाइक करके जाना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और हाँ, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पे सबसे जल्दी मिलती है। टिल देन कीप सपोर्टिंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, फिट द पोअर सेल्फ विद अदर्स एंड टेक केयर। बाय बाय।